बच्चे हो या बड़े, बर्फ जैसी सफेद सफेद बर्फी सभी को बहुत पसंद आती है। दूध और चीनी से बनने वाली ये बर्फी बहुत ही आसानी से मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो अब कोई खास बात हो तो बनाओ ये क्विक एंड इजी सा स्वीट। आज हम यहाँ एप्पल्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि सेब की बर्फी बनाएंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट और कितनी गूई हमारी यहाँ एप्पल बर्फी लग रही है। एकदम से मुंह में मेल्ट हो जाती है ये बर्फी। चलिए आइए बनाते हैं। पील ऑफ करके आप सारे एप्पल्स को इवनली ग्रेट कर लेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। देखिए, हमने यहाँ सारे एप्पल्स को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। बस अब आपको लेना है एक पैन, और पैन में डालना है थोड़ा सा घी, और उस घी में हम इन सारे ग्रेटेड एप्पल्स को अच्छे से भून लेंगे। एप्पल्स अच्छे से भुन जाएं, इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच चीनी के। चीनी घुलते ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ 1 कप मिल्क पाउडर इसमें डाला है। आप चाहें इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, एज पर आपको जितना स्वीटनेस डिज़ायर्ड है। सभी चीज़ों के अच्छे से मिक्स होने पर आप इसे थोड़ी देर स्टर कीजिए। जब तक कि ये एक अच्छी सॉलिडिफाई कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है। बहुत ज़्यादा सख्त आप ना करें, उससे आपकी बर्फी जो है वो बहुत हार्ड बन जाएगी। यहाँ मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने के बाद हमने एक बटर पेपर को ग्रीस कर लिया है, और इस पर हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। इट्स ओके अगर बटर पेपर नहीं है, आप नॉर्मल किसी भी थाली या प्लेट में थोड़ा सा नीचे घी से उसे चिकना करके उस पर भी इस मिक्सचर को फैला सकते हैं। आपको अच्छे से स्पैचुला से इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से इस मिक्सचर को थपकियां देकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख दें। आप इसे अपने हिसाब से किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। हमने यहाँ इसे डायमंड शेप में काटा है, इसके लिए मैंने एक स्क्वायर में इसे स्प्रेड कर लिया है। मिक्सचर के हल्के गर्म होने का एक फायदा है कि आप इसमें आसानी से निशान बना सकते हैं। जैसा भी शेप आपको देना है, आप हल्के हाथ से बिल्कुल चाकू से वैसे मार्क्स बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम चाकू से इस पे निशान बना रहे हैं। उससे इसे बाद में फ्रीज करने के बाद, या फिर अगर आप ठंडा होने रख देते हैं, ये बिल्कुल आसानी से कट जाएगी। बर्फी पे आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लीजिए, और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। मैंने इसे यहाँ करीब करीब 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मुझे इसे इंस्टेंटली कंज्यूम करना था। आप चाहें तो इसे 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मिल्क से बनी हुई चीज़ें आप थोड़ा जल्दी कंज्यूम कर लीजिए। एप्पल बर्फी बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशंस यूं ही सबसे पहले मिलती रहे। ये मुंह में घुल जाने वाली एप्पल बर्फी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।